नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विलय और निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंक कर्मी रहे हड़ताल पर, करोड़ों का कारोबार प्रभावित। छठ की तैयारियों में प्रशासन जुटा, विभिन्न घाटों में साफ सफाई अभियान शुरू। बाल श्रम और बाल शोषण पर रोक लगाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। और दिन दहाड़े बंगले में चोरी करने घुसे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। बैंकों के विलय, निजीकरण सहित अन्य मुद्दों के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में 9 बैंकों का विलय कर दिया। साथ ही विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के विलय से देश भर में करीब 2000 बैंकों की शाखाएं बंद हो चुकी हैं। इसके विरोध में AIBEA के आह्वान पर मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल से सिर्फ जमशेदपुर की यदि बात करें तो कई लाख रुपयों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सरकार की कड़ी मंशा जो है, उनकी जो मंशा है वो हम ऐसे ही करते करते बैंकों को मर्ज करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स को कम्प्लीटली उनके हाथ में 5 से 6 बैंक्स होंगे और उसकी वजह से उनको प्राइवेटाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। आज सारा भारत बैंक बंद है। ये ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन और कॉल पर है, यह जो कॉल दिया गया है मर्जर के खिलाफ है। ये खिलाफ है रिफॉर्म, ये खिलाफ है जो NPA में जो बोरोअर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको ढिलाई से पेश किया जा रहा है, उसको कड़ाई से उसकी असूली नहीं की जा रही है। जुड़े हुए आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों में प्रशासन अभी से जुट गया है और मंगलवार को विभिन्न संगठनों की मदद से विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू कर दी गई है। केंद्रीय बस्ती विकास समिति और JNSC समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अभी से कमर कसते हुए विभिन्न नदी घाटों में साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। आस्था के महापर्व पर हजारों की तादाद में लोग पूजा अर्चना और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए विभिन्न नदी घाटों में एकत्रित होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने नदियों में डेंजर जोन को चिन्हित भी किया है और व्रतधारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए घाटों की साफ सफाई को प्राथमिकता दी है। छठ घाट में हम लोग 12 तारीख से अपना लेवल 4 लगा करके इसको साफ सफाई कर रहे थे और बीच में ये कितना तारीख था, 12 तारीख से हम लोग सफाई चला रहे हैं और इधर 3 दिन पहले JNSC के कुछ अफसर लोग आए थे और केंद्रीय बस्ती विकास समिति का जो अध्यक्ष खेमलाल चौधरी और बहुत सारे लोग आए और हम लोग छठ घाट की जो समिति है वो समिति और हम लोग मिल करके ये सारे घाट को सफाई सुथरा हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। बाल श्रम और बाल शोषण पर रोक लगाने और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। देशभर में बाल श्रम और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बाल शोषण के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए कई सख्त कानून भी बनाए गए हैं पर लोगों में जागरूकता का अभाव है। इन कानूनों का सही इस्तेमाल और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है क्योंकि माता पिता में जागरूकता के अभाव से बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे पॉलिसीज बनी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए, बाल मित्र
खाना बनाने की बात हुई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हुई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने को लेकर के हर थाने में, हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाने की बात हुई पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से करीब 200 जिलों में राष्ट्रीय जनसंवाद चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों से संबंधित मुद्दों को, खासकर बाल मजदूरी और बाल व्यापार को लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसमें पता चले कि हमारे ज़िले में क्या, कैसे बच्चे कैसे लापता हो जा रहे हैं, उनके लिए आम जनता की क्या भागीदारी होगी, प्रशासन की क्या भागीदारी होगी। बिष्टुपुर सर्किट हाउस में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की नीयत से घुसे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दिनों शहर में चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और दुकानदारों और व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। अब तो आलम यह है कि दिन दहाड़े भी चोर घटना को अंजाम देने लगे हैं। ताजा घटना बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस की है। यहाँ मकान नंबर 10 में एक युवक घुसा और ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था, पर केयर टेकर की नजर उस पर पड़ गई। उसने शोर मचाया तो युवक ने स्क्रू ड्राइवर से हमला कर घायल कर दिया, मगर तब तक स्थानीय लोग जुट चुके थे। सभी ने खदेड़कर युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये लड़का तो यही स्कूटी लेके आया और घर में घुस गया, उस समय गेट खुला था तो घुस गया और तो खिड़की का आवाज, मैंने आवाज हुआ तो वाइफ निकली, वाइफ निकल के बोली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों घुसे। तो वाइफ क्या बोला नहीं आता, तो फिर मालिक को बुलाया, मालिक यार वो मेरा वाइफ, उसको भगाया। कॉन्ट्रास्ट में सूचना मिला था कि कोई आदमी पकड़ाया है, उसको ले जाकर थाना वाला में लेके, अब जांच किया जाएगा ना, उसको जांच करने के बाद ही वेरीफाई होगा। जमशेदपुर चैम्बर भवन में सूबी शाखा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। इस तरह के मेले का मुख्य उद्देश्य है चाइना की वस्तुओं के बदले लोग मिट्टी के परंपरागत दिए, बर्तन आदि का प्रयोग करें। इससे पुरानी परंपरा जीवित रहेगी, साथ ही मिट्टी के इन बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनके घर भी दीपावली धूमधाम से मनेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करीब 50 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मिट्टी के दिए और अन्य सामग्रियां रखी गई हैं। माला और जो हर साल हम लोग करते आ रहे हैं कई वर्षों से, तो मिट्टी के दीपक जो भी कुम्हार लोग बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए चैम्बर का प्रयास है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिट्टी के दिए अपने घरों में लेके जाएं, जो कि इनका भी बिजनेस प्रमोट हो और चाइना से की जो लाइटें वगैरह उसको हम लोग चाहते हैं वो कम हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज एक्वा, a professional salon and spa, specialist in bridal makeup, all beauty treatment and makeup, claiming hair care, skin care, a complete family salon. Please do visit with your friends and family. साक्षी सैलन, फर्स्ट फ्लोर 107 मंजुला आविष्कार बिल्डिंग, SNP एरिया, नेक्स्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साक्षी जमशेदपुर। बिष्टुपुर सैलन, ग्राउंड फ्लोर सूरा सदन अपार्टमेंट, रोड नंबर 3, कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया, नियर DAV पब्लिक स्कूल, बिष्टुपुर जमशेदपुर। द वेब इंटरनेशनल,
NH 33, टाटा रांची हाईवे, जमशेदपुर, झारखंड। आपके लाल संजीव आचार्य। पूरा विश्वास है जनता के साथ, होगा झारखंड का पूरा विकास। बचाओ नीतीश मॉडल लाओ, झारखंड बचाओ, बदला है बिहार, अब झारखंड की बारी। रामसेवक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड की पुकार जदयू की सरकार, संजीव आचार्य विधायक अब की बार। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभू चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभू चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभू चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभू चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभू चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभू चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभू चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभू चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। बवासीर से अब घबराना क्या? चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है।
कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी, डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन के संस्थापक सह चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, चेन्नई बाजार। जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस,
फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज, सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आए। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। पोलियो उन्मूलन में लगे रोटरी क्लब की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के मौके पर एक विशाल जागरूकता रैली निकाली जाएगी। वैसे तो 2014 में ही सरकार ने देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, पर इस रोग को पूरे विश्व से उन्मूलन की दिशा में लगे रोटरी क्लब ने 24 अक्टूबर को विशाल जागरूकता रैली निकालने की घोषणा की है। 24 अक्टूबर जो है वो रोटरी इंटरनेशनल के तरफ से वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है और ये वर्ल्ड पोलियो डे आगे भी हम हमेशा करते रहेंगे। इस वर्ष जो है वो हमने रोटरी क्लब के साथ रोटरी क्लब है जमशेदपुर के और वो सारे एक साथ मिलकर के एक रैली, अवेयरनेस क्रिएशन रैली जो है पोलियो के लिए वो हम करने वाले हैं और वो हम बेल्डी क्लब से स्टार्ट करके सुबह 7:30 बजे 24 अक्टूबर को बेल्डी क्लब से शुरू करेंगे और ब्लॉक टावर के पास जाकर एंड करेंगे। झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया। विधानसभा चुनाव से पहले जेवीएम के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना को चुनावी स्टंट करार दिया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी, और यहाँ तक नहीं केवल वे भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके हाथ में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। अघोषित पूर्व जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष कह भी दे दिए भारतीय जनता पार्टी का तो कम है। कहाँ पर किसको टेबल बैठाना है, किनको खाना खिलवाना है, कैसे सम्मेलन सफल करना है, कैसे कार्यक्रम सफल करना है, सारे चीजों का देख रेख उन्हीं के द्वारा होता है। कल प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, जिस गेट में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बैनर लगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के कलर का झंडा बनाया, कितना गंभीर मामला है। और ऊपर से ऊपर अगर भ्रष्टता की बात आप करें कि पहले काम हो जाता है इनके क्षेत्रों में और काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हैं और उसके बाद टेंडर होता है, यानी अगर 60-70 अगर ठेकेदार है तो उनका नियम है कि उन्हें फॉर्म खरीदने की 5,000 रुपए जमा करना पड़ता है, 50 अगर लोग हैं तो 2,50,000 रुपए जमा हो गया, जबकि वो काम पहले से हो गया और वह जो मनी है 5,000 रुपए लौटता नहीं है। परसुडी में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भाजपा संथाल पद यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल लोग उड़ीसा में पंडित रघुनाथ मुर्मू के गांव जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का यात्रा को समाप्त करेंगे। उनका नेतृत्व युवा नेता गुलशन टुडू कर रहे हैं। यात्रा दल में कुल 15 सदस्य हैं। भारत माता की जय। भैया भैया हर हर महादेव। पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विलय और निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंक कर्मी रहे हड़ताल पर, करोड़ों का कारोबार प्रभावित। छठ की तैयारियों में प्रशासन जुटा, विभिन्न घाटों में साफ सफाई अभियान शुरू। बाल श्रम और बाल शोषण पर रोक लगाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। और दिन दहाड़े बंगले में चोरी करने घुसे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।